साथ साथ जीने मरने वाली लव स्टोरी नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हमारा आइडिया ये है कि हम पहले साथ साथ जीना सीख लें फिर मरने की बात बाद में करेंगे, है ना। ये स्टोरी जो है जीना सीखने की स्टोरी है कि दो लोग कैसे एक साथ आके जीना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की स्क्रीनिंग जो है वो बताओ क्या है। वेल, आज की स्क्रीनिंग में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, वो खास लोग आए हैं जिन्होंने डेट की है आज पूरा दिन, और उनके लिए हमारी मूवी, हमारा ये एक इंटेंशन है कि डेटिंग कितना हेल्दी हो सकता है, ऑनलाइन डेटिंग, ये दिखाएं हमारे फिल्म के तहत। सो ये लोग आए हैं सारे, या इनकी डेट जो है कल्बिनेट हमारी फिल्म देखने के बाद फिल्म क्या होगी क्या होगा। पर मेहनत के वेट करना पड़ा था, उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी थी और मुझे टाइम लगा थोड़ा डिसाइड करने में, बस वो वेट करना पड़ा थोड़ा। तो वो जो वेट करता होता है डायरेक्टर, तो उसका थोड़ा एंग्जाइटी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से उनको लगा होगा कि मेहनत करना पड़ेगी। जब ट्रेलर आउट हुआ था तो सबके रिएक्शन ऐसे, आपको कभी ऐसे रोल काफी रियलिस्टिक रोल नजर आए, हां तो क्या ज़हन में था कि एक फिल्म बनाए जो परिवार के लिए हो, परिवार में बाप बेटी बैठ के एक लव स्टोरी देख सकें, ऐसी साफ सुथरी पुराने किस्म का रोमांस जिसमें थोड़ा ओल्ड चार्म जो होता है वैसा रोमांस, और लोगों को देखने के बाद मुस्कुराहट आए, रोमांटिक फील करें, खुश हों, यही इंटेंशन था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे सामने पूछोगे तो नहीं आप नहीं तो नहीं मुझे, मेरे लिए तो एक्टिंग स्कूल जाने के जैसे था, बस लाइक ग्रेट वर्किंग विथ हिम एवरी डे। आज तो आपको पता है ये जया और हाँ मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ नहीं वो एक जया और योगी का जो जर्नी है, तो आपस में बहुत सारे सीन्स हैं, तो एक अच्छी केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा पार्टनर मिल गया एक्टिंग में, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। थैंक्स। बिल्कुल नर्वस नहीं थी, मैं तो बोल रही थी वाह थैंक गॉड, यू नो अभी मुझे तो मेहनत नहीं करनी है, मेरा हाफ तो ये कर लेंगे, तो मुझे बस जेन्युइनली रिएक्ट करनी है, एक्टिंग इज रिएक्टिंग। सर, इतने साल के करियर में कई फ्राइडे आते हैं, कई मूवियां रिलीज होती हैं, हाँ। तो जब आपकी मूवी आती है तो कैसा लगता है आपको, नर्वस फील करते हैं थोड़ा? उस रात तो होता है नर्वसनेस, लेकिन यू नो ये इस काम का हिस्सा है, यू नो एंग्जाइटी तो थोड़ा एक दिन रहता है, फिर उसके बाद यू नो सेटल डाउन हो जाता है। मतलब हम कहानियाँ बनाने के लिए सुनाने के लिए आए हैं, सुनाते रहेंगे एक 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 करके, अब यू नो अपने दिल से सुनाएंगे, मेहनत करेंगे पूरी, बाकी तो लोगों पर है कि लोग उसको कैसे सराहते हैं, कहाँ तक लोगों तक पहुँचती है, कितने लोगों के दिल को छूती है, कितना उनके साथ रह जाती है, इसके बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता है, एक मिस्ट्री है। सर, आज के दौर में काफ़ी कम टाइम फिल्म को हिट होने के लिए, तो मतलब क्या लगता है कि कहाँ तक पहुँच पाएगी आपकी जो क्या बताया यार, हमारी विश है, हमारी उम्मीद है कि लोगों को परिवार आए देखें, लोगों को अच्छी लगे, सराहें, लोग बात करें, अब उसके आगे तो हमें क्या पता। ओके, लास्ट थिंग, एनीथिंग जी, समय रह गया सब फिल्म रिलीज होने के लिए, जी समय रह गया, हाँ थोड़ा हाँ, अभी देख रहे हैं ना लोगों का रिएक्शन से पता चल रहा है कि लोगों को खुश कर रही है फिल्म, ये हम चाहते थे, बाकी तो फिर ऊपर वाले की हाथ में। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।